हर साल डालते रहे, इस बार भी आपने पहला वोट जरा उंगली दिखा दीजिए और देखिए वोट डालने के बाद ये बताइए अपील करेंगे दादा वोटर से क्या अपील करेंगे। वोटरों से अपील करूंगा अपने गांव बड़हिया से लेकर के मुंगेर बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा जिससे गरीबों को एक ताकत मिलेगी। मतदाता के साथ इस बार उम्मीदवार भी हैं बेगूसराय से, क्या कहेंगे सर, कैसी तस्वीरें हैं? बहुत अच्छी तस्वीर है, मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है और उस अपील का दृश्य दिखने शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? मैं तो कहा दिखना शुरू हो गया है रोड शो का। अच्छा, बेगूसराय में आप 4,22,000 से जीते थे पिछली बार 2019 में, इस बार क्या स्थिति रहेगी बेगूसराय की अगर बात करें तो? इस बार भी उससे पार जाऊंगा। देखिए धार्मिक ध्रुवीकरण, ये लालू यादव जैसे लोग जो कल तक पिछड़ों की बात करके जातियों में बांटते थे, आज मुसलमानों को आरक्षण देकर के हिंदू पिछड़ों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, उसके नौकरी छीनना चाहते हैं। मैं यादवों से अपील करूंगा, कुर्मी कोयरी पिछड़े निषाद सबसे अपील करूंगा, SC ST कि इसका बदला लो। भारत को लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है तो 400 के पार करो। मुंगेर लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ, इसमें क्या कहेंगे? कहाँ मुंगेर लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ, इस लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ। देखिए ये दो मुहा होगा कि हिंदुओं को हिंदू पिछड़े का नौकरी छीनेंगे और दूसरे तरफ पूरे परिवार मलाई खाएंगे और मुसलमानों को आप आरक्षण देने की बात करेंगे, ये अब नहीं चलने वाला है। कहाँ कहाँ बात बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा की जाती है और आज जो यहाँ मतदान कर्मी है वो इनको गिरिराज सिंह को बहुत अच्छा लो जी आंवले का पेड़ देकर के सर आपने वोट दिया है यहाँ, ये बताइए अब हमको गाड़ी पकड़िए, अब वोट नहीं, अब मुझे बेगूसराय जाना है यार, ये बताइए क्या स्थिति है गिरिराज? बेगूसराय में जीतेंगे और क्या स्थिति है, मुंगेर भी जीतेंगे, पूरे बिहार में 40 40 की 40 सीट लेंगे, एक सीट किशनगंज जो कहते हैं कि हम फिर से लेंगे। मैं किशनगंज के मतदाताओं से अपील करूंगा कि देश के अस्मिता के साथ किशनगंज की सीट भी NDA की झोली में दें। अच्छा, कई बार ये भी सुना गया कि हिंदुओं का वोट चाहिए मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, आज मतदान का दिन है, आज इस तरह जो नहीं नहीं ये कोई नहीं कहता कि हिंदुओं का, हमने ये जरूर कहा कि अपने मतदाताओं से अपने समर्थकों से कि हमें वोट नहीं चाहिए देशद्रोहियों का, हमें वोट नहीं चाहिए पाकिस्तान परस्त लोगों का, आज भी कह रहा हूं। पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं मुद्दों की बात नहीं करते, मुद्दे मैंने भैंस के आगे बीन बजावे भैंस रहे पगड़ा है, मोदी तो केवल मुद्दों पर ही बात करते हैं, चाहे राष्ट्र के विकास का मुद्दा हो चाहे राष्ट्र के सुरक्षा का मुद्दा हो, वो तुष्टिकरण नहीं करते।